वेलकम टू ऑल व्यूअर्स ऑफ योर ट्रैवल जर्नी टू कोरल रीफ क्लब, सुगर वाइट बीच, एमराल्ड कोस्ट, गल्फ ऑफ मैक्सिको इन डेस्टिन डिस्ट्रिक्ट फ्लोरिडा। इस जगह पर पहुंचने के लिए आपको कोरल रीफ क्लब को टारगेट करना होगा, साथ ही साथ सुगर वाइट बीच, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ओकालूसा आइलैंड पियर, फिशिंग पियर, इन सब नामों से भी आप टारगेट कर सकते हैं और इस जगह को अप्रोच कर सकते हैं। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है जहां आप क्रिस्टल क्लियर वाटर देख पा रहे हैं और वाकई में इतना स्वच्छ समुद्री जल को देखना अपने आप में एक अजूबा ही है। फ्लोरिडा के डेस्टिन डिस्ट्रिक्ट में ये सुगर वाइट बीच पड़ता है और इस सी का नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको और इस कोस्टल रीजन को एमराल्ड कोस्ट का नाम दिया गया है और ये सारे के सारे स्पॉट सेंट्रलाइज लगभग 2 या 3 किलोमीटर के एरिया में है। कोस्टल रीजन पर बने ये बिल्डिंग्स आप देख पा रहे होंगे, इन्हीं किसी बिल्डिंग्स में आपको अपना आशियाना ढूंढना होगा जो ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। साथ ही साथ डॉल्फिन सी पॉइंट तक जाने के लिए आपको क्रूज द्वारा जाना होगा जिसका शुल्क लगभग $30 पड़ेगा और वो 1 आवर का एक यात्रा आपको कराएंगे और 1 घंटे तक आप समुद्र के अंदर के कोरल और डॉल्फिन, सी टर्टल, हेरॉन्स और पेलिकन पक्षी को भी आप देख पाएंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको, एमराल्ड कोस्ट, आइलैंड पियर, फिशिंग पियर, ओकालूसा, स्टोनिंग सुगर वाइट बीच प्रोवाइड्स ब्रीथ टेकिंग व्यूज ऑफ मैग्निफिकेंट सनराइज एंड सनसेट आल्सो। योर कैमरा रेडी टू कैप्चर स्पेक्टेकुलर इमेजेस ऑफ मरीन लाइफ इंक्लूडिंग डॉल्फिन, सी टर्टल, हेरॉन्स, पेलिकन्स एक्सेट्रा। भाग रहा है पानी से। पानी से भाग क्यों रहे हो? Don't forget the excitement of watching of Gulf of Mexico.
पानी में ठीक लग रहा है ना। इन साइलेंस जोन गल्फ ऑफ मैक्सिको समुद्र के किनारे किनारे पैदल चलना, हर हर की आवाज करता ये सी साथ में। और यदि अपने साथ बचपन भी हो तो ये प्राकृतिक नज़ारे चार चांद लगा देते हैं। इस पक्षी को देखिए, ये पक्षी बार बार समुद्री लहरों से टकराता है और ऊपर की तरफ भागता है, और जब पानी वापस जाने लगता है तभी अपना दाना खोजता है, अपने खाने का वहाँ इंतजाम देखता है कि समुद्र ने हमारे लिए क्या भेजा है खाने को, और उसी से ये एक चोच मार लेता है और फिर इंतजार करता है कि समुद्र की लहरें जब लौटने लगेंगी तो हम दौड़ते हुए फिर आएंगे और उनमें से कोई एक तुनका चुन लेंगे। ये भी जीवन है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ये देखना कि ये पक्षी कैसे अपने जीवन को यहाँ पर सुगर वाइट बीच के अंदर अपने लिए अपना खाना चुन रहा है। ये भी एक देखना अपने आप में बहुत सुंदर लग रहा है, क्या सीन है। साथ ही साथ अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ धीरे धीरे इन समुद्री तट पर नंगे पांव, एक एक पांव बच्चों को संभाले हुए चलना भी अपने आप में एक नैसर्गिक आनंद का परिचायक है। ये ऐसा आनंद बच्चों के साथ जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, इन साइलेंस जोन हो, सिर्फ समुद्र के लहरों की आवाज हो और कुछ भी ना हो, ऐसी जगह पर टहलना, समुद्र के लहरों के बीच नहाना, क्या कहना है। ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने में आते हैं, साथ ही समुद्र भी एकदम साफ सुथरा क्रिस्टल क्लियर वाटर हो, जहाँ ऊपर से देखें और तली तक दिखता जाए, तो क्या बात है। तो ऐसे समुद्र सुगर वाइट बीच, ओकालूसा जगह का नाम, एमराल्ड कोस्टल रीजन, डेस्टिन डिस्ट्रिक्ट, फ्लोरिडा स्टेट, और कहने को तो ये अमेरिका है। आपने सन बाथ लेते लोगों को देखा होगा, वाटर बाथ लेते हुए देखा होगा, लेकिन सैंड बाथ लेते बहुत कम देखा होगा। और सैंड बाथ, वो भी सुगर वाइट सैंड बाथ लेना, ये तो बचपन ही बता सकता है हमें कि हम कैसे सुगर सैंड बाथ लेते हैं। ये बचपन ही बचपन है जो हमें सुगर सैंड बाथ लेना सिखाता है, उससे नहाना सिखाता है। और क्या कहने हैं, बचपन हर गम से बेगाना होता है, यूं ही नहीं कह दिया गया। अब ये देखिए सुगर वाइट सैंड बाथ है, कोई नहाने वाला इस सुगर वाइट सैंड से नहाने वाला है क्या?
अगर कोई हो तो मेरा साथ दे सकता है। मैं यहाँ पर इसी सैंड से लगातार कंटिन्यू नहा रहा हूँ और कोई रोकने वाला नहीं है। अब तो हम नहाए जा रहे हैं। कोई है क्या जो मेरा साथ देगा? कोई नहीं है। चलो हम अकेले ही नहाते हैं। बचपन का दूसरा अंदाज, सी वाटर बाथ, समुद्री तट के किनारे लेट जाना जल में और लेट के सी वाटर का फुल एंजॉय लेना। कोई बच्चों से ही सीखे, ऐसा एंजॉय हम बड़े कहाँ ले पाते हैं जो एंजॉय हमारे बच्चे ले लेते हैं। तो इस एंजॉय के साथ आइए गल्फ ऑफ मैक्सिको में बच्चों के साथ बच्चा बनने का समय है ये। बच्चों के साथ बच्चा बन के और इस समुद्र में नहाना, क्या कहना। यहाँ पर डॉल्फिन पॉइंट तक जाने के लिए क्रूज का जो साइट है और जो कॉस्ट है वो मैंने यहाँ पे देने का प्रयास किया है। और इसी क्रूज के साथ आइए डॉल्फिन की खोज में निकलते हैं और डॉल्फिन दिखेगा तो आपको भी दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए सर्च ऑफ डॉल्फिन स्टार्टेड। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? तो ब्लू हॉर्न सुनना है उनका।
डॉल्फिन को खोजने की जो क्रूज की यात्रा थी वो 1 घंटे की यात्रा थी जो अब समाप्त हो गई, और फिर लौट कर हम उसी सुगर वाइट बीच पर आ गए और फिर बच्चों के साथ महीन रेत, श्वेत रेत, सिल्वर रेत, एमराल्ड कोस्टल रेत, गल्फ ऑफ मैक्सिको सैंड, इसके साथ फिर से खेलना शुरू कर दिया। और इस बार तो बचपन के साथ हम भी बच्चे बन गए और बच्चों के साथ इसी रेत से ग्लास बनाना और बच्चे को फिर तोड़ते हुए देखना, वाकई में क्या जीवन है। जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। आइए सुगर वाइट बीच से अब आगे चलते हैं और फिश पियर की तरफ चलते हैं। ये है हमारा फिश पियर। इस ब्रिज से मछलियों को देखना, सो मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस यू कैन सी हियर। बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर मछली को चारा देकर उनको फंसाने का काम कर रहे हैं। किसी की फंस जाए तो हम भी अपने कैमरे में ज़रूर कैद करेंगे, लेकिन मेरे सामने अभी तक किसी की मछली फंसी तो नहीं। इस फिश पियर पर पेलिकन बर्ड्स को देखना और उससे पहचान बनाना, उससे दोस्ती करना, उसको चारा खिलाना, क्या बात है। वो भी ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के साथ वो भी हमारा साथी बन रहा है। तो चलिए इस फिश पियर से अब कितनी वैरायटी की फिश यहाँ पर उपलब्ध हैं ये बच्चों को यहाँ सिखाने के लिए एक चार्ट बना हुआ है, और बच्चे यहाँ पर फिश की वैरायटी और उनके नाम यहाँ पर जान रहे हैं। तो इस तरह से फिश की वैरायटी को जानते हुए हमारे ये बच्चे। हर यात्रा की एक सीमा होती है, समय की भी एक सीमा है। हम किसी भी जगह पर कितना समय बिता सकते हैं ये भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है। समय हमें उतना ही समय देता है जितना समय उसको देना चाहिए, और सबसे अच्छा समय किसी भी जगह पर जाना होता है, लेकिन जब वहाँ से हम आते हैं तो वहाँ की यादें लेकर आते हैं। तो इस तरह से डेस्टिन डिस्ट्रिक्ट से लेकर अब टेक्सास की तरफ हम वापस आ रहे हैं, और इस सड़क के दोनों ओर आप अमेरिका के सड़कें और वहाँ के पेड़ पौधों को आप देख पाएंगे। और इस तरह से करते करते हमारी जर्नी, हमने टेक्सास से शुरू किया था और ये यात्रा टेक्सास में जाके समाप्त हो जाएगी। फिर किसी ऐसे ही यात्रा के लिए हम फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे और फिर कोई नई जगह, नई ऊर्जा के साथ, नई सुबह में फिर हम आपको कोई नए स्पॉट को दिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और तब तक के लिए आप हमारा, जो इतने देर तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हमारा साथ देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका होस्ट केशव जी आप सभी से फिर ये वायदा करते हैं कि हम आपको बहुत जल्द फिर किसी नए स्पॉट पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।